नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हब ट्रैकिंग इक्विपमेंट मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा पहले यूट्यूब को और मेरे सब्सक्राइबर्स को, इनकी मदद से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। थैंक यू सो मच यूट्यूब। आज जो मैं अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये भी मेरे कैंपिंग के अंदर जो बर्नर, जो गैसेस, जो भी जो चीज़ हमारी छोटी छोटी जो इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या मेरी शॉप पे अवेलेबल है, मैं आज आपको वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा अपनी वीडियो के माध्यम से, और आपको बताऊंगा इनके यूजेस क्या है, ये क्या आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मेरी शॉप में अवेलेबल हैं, मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ मेरी कैंपिंग के दौरान गैसेस जो भी हैं मेरे पास। पहले ही चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत ही मार्केट के अंदर, अमेज़ोन के अंदर आप देखते ही हैं इनको, ये मैक्सन का बर्नर है। मैक्सन का इस तरह की अटैची में आता है, ये आप देख रहे हो, और आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये चीज़ ऐसे अटैची में आता है, और इसको अगर मैं ओपन भी करता हूँ तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। ये देखिए, ये अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो ये इस तरह से पैकिंग में आता है ये पूरा का पूरा। और अगर मैं इसकी ओपन पीस की बात करूँ मैक्सन्स की, ये कुछ इस तरह से दिखता है देखने में, पूरा एसएस के अंदर है कुछ और कुछ लोहे के अंदर मिक्स है ये वाला। ये वैसे पोर्टेबली आप अगर इसको देखते हैं तो कैंपिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इसके अंदर जो हमारा जो सिलेंडर फिट हो जाता है, इसके अंदर मैक्सन का एक लगाओ, चाहे हंस का लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर। लाइटर साथ में आता है इसके अंदर, मैं आपको और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैक्सन का है ये, मैक्सन का, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के अंदर है। और अगर आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ, मैं इसी के अंदर आपको हंस का, अपना हंस का भी जो आता है सेम पैकिंग के अंदर, बॉक्स के अंदर आता है इस तरह से आता है ये पूरा बॉक्स में। अगर आप देखें हंस का भी ऐसे पैकिंग टच के अंदर ही आता है एक तरह से। और जो है इसका ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है देखने में। इसके साथ आपको एक नोज़ल भी मिलती है, इसका एक मॉडल, दो मॉडल आते हैं, एक एसएस के अंदर आता है, कि आयरन के अंदर आता है, जो अभी जो मेरी शॉप पर अवेलेबल है आयरन वाला है। और ये इसके अंदर पोर्टेबल एलपीजी गैस भी लगा सकते हैं। देखने में ये कुछ इस तरह है, और इसको हम लॉक करें और इसको ऑन करें, गैस रेडी, गैस आपकी रेडी है। अगर इसको आप बंद करें, लो हाई कर सकते हैं, इसके अंदर आप अनलॉक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका सिलेंडर फिट होता है। ये मैक्सन का इसमें मैंने सिलेंडर लगाया है, सीआरबी प्रूफ सिलेंडर है मैक्सन के, सीआरबी प्रूफ होते हैं बिल्कुल, हंस से ज़्यादा सेफ होते हैं। शेकिंग के दौरान, गाड़ी के दौरान ये एक्सप्लोजन नहीं होते, बस आपको एक्सप्लेन देते हैं। आप इसको लॉक करें और इसको यू करके चलाएं, और ये गैस आपकी रेडी है। देखिए, आप खाना बनाएं चाहे भाई जो मर्ज़ी बनाएं, और इसको ध्यान से आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं कैंपिंग के दौरान, इसको आप यूज़ करिए जैसे मर्जी यूज़ करिए, ये आपको बेस्ट भी है और ये पोर्टेबल भी है एक तरह से। और इसमें एक एक नोज़ल आपको साथ मिलती है, आप इसके आगे लगा के आप एलपीजी भी चला सकते हैं, एलपीजी अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप। और ये बहुत ही लाइट वेट के अंदर है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप देख सकते हो। ये हंस का है, और पहले जो मैंने आपको दिखाया था मैक्सन का दिखाया था, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। और अगली चीज़ आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ पोर्टेबल के अंदर, आपको चीज़ें दिखाऊंगा जो पोर्टेबल, जो ऐसे छोटे पोर्टेबल गैसेस, पोर्टेबल जो, पहले मैं आपको गैसेस के बारे में बता दूं, जो ये जो सेट आता है हमारी शॉप पे, ये हंस के सिलेंडर है ये जो आप देख रहे हैं, इनका रेट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है जी। और ये जो है इस तरह से चार की पैकिंग आती है, हंस वाले आते हैं ये, इसमें 250 ग्राम्स की इसमें गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है, जो कि कह सकते हो आप इसको। और दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ मैक्सन्स के हैं, जो कि मैक्सन्स के अंदर भी अगर आप देख रहे हो, मैक्सन्स के भी गैसेस बहुत अच्छी हैं, ब्यूटेन है ये भी बिल्कुल, बट ये एक्सप्लोजन सीआरवी एक्सप्लोजन प्रूफ्ड है, जो आप देख सकते हो जो गैस पूरी इनके, अगर एक्सप्लोजन प्रूफ्ड इनके लिक्विड डाला हुआ है, सीआरवी एक्सप्लोजन प्रूफ मैक्सन्स की जो आजकल जो सिस्टम जो लेटेस्ट जो अब चल रही है इस टाइम पे। और दूसरी अगर मैं बात करूँ गैसेस जो है हमारे पास हंस की, हमारे पास 230 ग्राम वाला ब्यूटेन का ये वाला सिलेंडर भी अवेलेबल है, जितने मर्जी आप हमारी शॉप से लीजिए, प्राइस मैं आपको सबके लिख के दे रहा हूँ, ठीक है जी। और ये क्या कॉलमैन के भी आते हैं ब्यूटेन कैन, जो -27 तक टेम्परेचर में भी जो यूज़ होती है ब्यूटेन जी, वो भी हमारी शॉप में अवेलेबल है, इनका बड़ा सिलेंडर भी अवेलेबल है। प्राइस इसका जो जाता है 500 रुपीज़ इसका जाता है, वो प्राइस मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ। इसका जो रेट जाता है C300 मॉडल है ये वाला, एक्सट्रीमली जो कि यूज़ कॉलमैन के अंदर यूज़ होती है हमारी गैसेस जो भी है हमारे पास जो शॉप में अवेलेबल है। और अब मैं बात करूं आपसे बर्नर की बात करूं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं मेरी शॉप में कौन कौन से बर्नर अवेलेबल हैं आपके पास।
आपको भाई सबसे पहले तो मैं दिखा दूँ जो अमेज़ोन पे भी बिक रहा है, ये कुछ इस तरह का बिक रहा है जो अमेज़ोन पे, ये जो क्वालिटी है जो ये है आपको दिखा रहा हूँ मैं। लाइटर साथ दे रखा है, ये गैस की प्लस माइनस करने के लिए इसको दे रखा है, स्टैंड दे दिया उसके नीचे आपको, आप देख सकते हो। ये आप अमेज़ोन पे देख रहे हैं 800-900 रुपये का बिक रहा है ये हमारी अमेज़ोन के अंदर, और हमारी शॉप में भी सेम प्राइसिंग के अंदर ही आ रहा है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हम ज़्यादा ले रहे हैं हम आपसे, बट इसके अंदर आप अनसेफ हैं कहते हैं। ये जो इसकी जो क्वालिटी दी गई है बहुत यानी कि कैंपिंग करनी है अगर आपको सेफली इसको ट्रैवलिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज ये अनसेफ है। इसके अंदर से एकदम से आग का लपटा सा निकलता है, भक्का निकलता है, जो कि आपको लिए बहुत ख़तरनाक है कहते हो तो मैं आपको एक बार एक एग्जांपल, ये मैंने मैक्सन्स का निकाला है, हंस का लेना चाहे मैक्सन का कोई भी आप यूज़ कमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसमें ये दिक्कत रहती है कि इसके अंदर गैस लीक हमेशा होती रहती है, फिट नहीं बैठेगा गैस, ये इस टाइम बिल्कुल फिट बैठ गया है। भैया मैं दूर हो जाता हूँ मैं पहले इससे कि ये अनसेफ है। इसके अंदर कैसे आग लगती है आप देखिए, हवा ये देखिए स्टेबिलिटी नहीं है कोई भी, अगर मेरी हवा भी चल रही है थोड़ी सी भी विंड चल रही है या कुछ भी, हाँ आप साइड से भी लगाओगे अगर साइड ईंटें भी लगाते हो यहाँ पे अपना फैन लगाते हो उसके साइडों में भी, ये अनसेफ है कैंपिंग के दौरान। आपको फिर दिखा रहा हूँ एक बार जलाकर मैं, ओ भाई गुरु ये देखिए आपने, ये देखिए ये है इसके अंदर, ये मत लीजिएगा इसको, या थोड़े से पैसों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलें। हाँ भाई फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इन चीज़ों की। आपको मैं अगला पीस दिखाता हूँ, इसी का एक दूसरा मॉडल आता है जो आप देखते हैं अमेज़ोन के अंदर, जो इस तरह की जो क्वालिटी आती है ये भी एक क्वालिटी आती है, ये सेम चीज़ है, बस क्या है कि सबको विंड के लिए आपको इन्होंने एक शेल्टर दे दिया आपको कि, और क्वालिटी बिल्कुल देखेंगे नीचे से ऊपर तक सेम है बाकी की। जो प्राइसिंग इसकी जो मैं बता रहा हूँ जो अमेज़ोन पर चल रहा है, सर आप हमें आके दिखाइए उसी रेट पर ले जाइए और बोलिए। ओहो बड़ा भैया, ये इसकी पत्ती जो होती हैं टेढ़ी हो जाती हैं बहुत जल्दी। अगर मैं आपको इसके अंदर भी सेम चीज़ है, एकदम से आग का लपटा निकलता है इसके अंदर भी, मैं आपको फिर बता दूं। ये देखिए आपके सामने देखा, अनसेफ चीज़ है वो देखिए, अनसेफ चीज़ है भैया। अपने आपको पहले ही इन चीज़ों को मैं वीडियो बना रहा हूँ भैया, जोखिम में रख के भी मैं पहले अपने लिए सब सेफर साइड लेकर चलता हूँ। आपने देखा कि कैसे ये एक्सप्लोज करता है, बिल्कुल ही आग का एकदम लपटा निकलता है, ये आपके लिए अनसेफ है, इन चीज़ों को ना खरीदें। मैं देखिए बाकी आपको सस्ता बढ़िया टिकाऊ चीज़ चाहिए, कैंपिंग कर रहे हैं भैया, शौक पूरा करना है तो बहुत बढ़िया है, फिर मैं मना नहीं करता भैया, मगर ज़िंदगी आपकी है, आपने अपने आप तरीके से इसको देखना है। अब इसके बाद जो आते हैं हमारे पास जो क्वालिटीज़ के, सबसे पोर्टेबल सबसे छोटे से छोटे जो है हमारी शॉप पर जो अवेलेबल हैं, ये देखिए एक ये भी एक बर्नर है, ये भी छोटा सा एक पोर्टेबल बर्नर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कहीं भी कैंपिंग के अंदर। इसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो आप कह रहे हैं, जिस तरह की इसमें लपटा वगैरह एकदम से नहीं निकलता एकदम से, और ये देखने में कुछ इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पोर्टेबल आपके पॉकेट में आ जाएगी, आप अपने कहीं भी रख सकते हैं। आप एक छोटा सा पोर्टेबल सा ये सिलेंडर है, और ये छोटा सा चूल्हा जो आप देख रहे हो बिल्कुल ही पोर्टेबल सा, अगर हम इसको रखें अपनी पॉकेट में भी आ सकता है ये हमारी, और ये कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा सा पोर्टेबल ऐसा है, कैंपिंग अगर आप करते हैं या कुछ भी करते हैं आप इसको आराम से इजीली, ये केवल हंस गैस के ऊपर ही फिट होगा, ये कॉलमैन पे नहीं होगा, कॉलमैन पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। मैं आपको इसका दिखाता हूँ, देखिए इसके अंदर वो दिक्कत नहीं है जो उसके अंदर दिक्कत थी जो दिखाया आपको मैंने, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये देखिए इसका प्रेशर देखिए, इसकी लो देखिए आप, अगर आप इसे कैंपिंग कर रहे हैं लो गैस पे भी जो आप चला रहे हैं ब्लू लेस के से निकल रही है, आप देख सकते हो आप बहुत ही शानदार प्रेशर अच्छा है, और इसके अंदर एकदम से आग लगने का खतरा भी नहीं है आपको। आप जो देख सकते हो छोटा सा पोर्टेबल जो गैस चूल्हा जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे, और ये गैस है हंस की, ये चूल्हा बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। ऐसे में बहुत सारे मैं आपको मॉडल्स हैं, सेम चीज़ चलती है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं भी आपको दूसरा भी। अब हम मैं उसको छोटे से छोटे से अगर बात करूँ, एक ये मेरी शॉप पे ये छोटा सा ये भी पोर्टेबल गैस चूल्हा अवेलेबल है, ये आप लगा सकते हो, कितना छोटा सा है ये, जस्ट ये इतना सा है, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरी फिंगर है, ये देखिए ये मेरी फिंगर है, 3 इंच की तो होती है, और ये कितने इंच का है ये आप देख सकते हो आप, ये चूल्हा एक तरह का ये भी हमारी शॉप में अवेलेबल है। आप इसको भी अगर आप बहुत छोटे से 2 से 2.5 इंची का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये कुछ इस तरह से देखने में है,
और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी आपको खोल के, ये इस तरह से, ये भी इसके साथ लाइटर नहीं आता, और ये चीज़, ये क्वालिटी आप देख सकते हो, ये छोटा सा पोर्टेबल टाइटेनियम मॉडल के अंदर ये वाला बर्नर है, क्वालिटी ए क्लास है, और छोटा सा इतना सा, अगर मेरी फिंगर, अगर आप इसको देख रहे हैं, इतने से मेरी फिंगर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखिए आप फिंगर, ये देखिए मेरी फिंगर कितनी है और ये बर्नर कितना सा है, पॉकेट में आराम से इजीली आपकी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइटेनियम मॉडल के अंदर ये वाला बर्नर है, इसको आप कैंपिंग के लिए या कहीं भी हाइकिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये देखिए छोटा सा बर्नर, जस्ट छोटा सा। चलिए मैं आपको अगला दिखाता हूँ, मैं मेरी शॉप पे FMM मॉडल के अंदर जो है एक ये वाला बर्नर भी मेरी शॉप में अवेलेबल है, ये बट मेरे पास दिखाने के लिए ही रह गया जी, लास्ट पीस बचा है मेरी शॉप के अंदर। जो मेरा YouTube भाई YouTube देखकर जो मुझे जल्दी जल्दी जो ऑर्डर दे सकता है, ये वाला बर्नर उसी का हो जाएगा। आप जो देख सकते हो छोटा, थोड़ा सा बड़ा है ये, थोड़ा साइज़ में हल्का सा, जो मैंने पहले आपको वीडियो चला के दिखाई थी, इसका ग्लो भी अच्छा है, बर्नर भी अच्छा है, और क्वालिटी ए क्लास है, FM मॉडल के अंदर आता है ये वाला मॉडल। आप जो देख सकते हो इस टाइम क्वालिटी जो इसकी देख रहे हैं, जो पैकिंग भी इसकी थोड़ी सी बड़ी है, और जो इसकी आप पैकिंग देख सकते हो ये बड़ी भी है थोड़ी सी, और अच्छी क्वालिटी के अंदर है ये। और अब मैं आपको एक अगला FM मॉडल में दिखाता हूँ मेरे पास जो शॉप में जो अवेलेबल है, ये जो वायर वाले जो आते हैं ये आप देख सकते हो, आप FM 121 मॉडल 3600 का रेट मैं आपको सबके लिख के दे रहा हूँ। FM 121 मॉडल वायर वाला, ये इंडिया में नहीं है सर। ये जो इसकी पैकिंग जो इस तरह से आती है आप देख सकते हैं, ये जो आता है इसके साथ फायर स्टार्टर साथ में आता है, फायर मैपल का फायर स्टार्टर इसके साथ में ही आता है, लाइटर इसके अंदर नहीं आता, और ये जो कुछ इस प्रकार की क्वालिटी के अंदर आता है, मैं आपको सब आपको इसके बारे में दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ मैं आपको। ये जो इस तरह से कुछ आता है ये बर्नर, जो फायर मैपल 121 मॉडल, ये भी लिमिटेड स्टॉक पड़ा है मेरे पास जो मेरी शॉप में जो है, जो जो मेरी शॉप में फायर मैपल, और ये लाइटर के साथ आता है, ये आपको फिर फायर स्टार्टर के साथ, और ये जो आपको मैंने दिखाया बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये वाली। और मैं अब आपको अगली चीज़ बताने जाऊंगा, तो सर मेरी शॉप में ये भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ये भी छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बर्नर लाइटर के साथ आता है ये वाला, अगर आप देख सकते हो इसके साथ जो वायर आती है, वायर के साथ आता है ये वाला भी, ये जो आप देख सकते हो, ये भी पोर्टेबल छोटा सा आता है, ये इस तरह की पैकिंग के अंदर आता है, ये कुछ इस तरह की पैकिंग आती है उसके अंदर आता है ये वाला बर्नर जो आते हैं, ये ऐसे पैक्ड आते हैं छोटे से बॉक्स के अंदर, ये इस तरह से बॉक्स के अंदर पैक आते हैं, आप देख सकते हैं। ये भी बर्निंग कैंपिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा, छोटे से छोटा, हमारी शॉप में सब अवेलेबल है। और दूसरा और लास्ट जो हमारी शॉप में एक और आपको बता दूं जो अवेलेबल है, वो जो ये कॉलमैन का बर्नर भी हमारी शॉप में अवेलेबल, छोटा सा पोर्टेबल सा आप देख सकते हो, देखिए आप, आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ये छोटा सा पोर्टेबल 77 ग्राम का, और स्टील के अंदर बहुत ही कॉम्पैक्ट, और इसके अंदर अगर 36 वाट, इस वाट में इसकी लो चलती है 3600 में, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। रेट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसका प्राइस भी आपको लिख के दे रहा हूँ। कॉलमैन के अंदर सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं हमारी शॉप के अंदर, और मैं आपको बता दूँ ए टू गैसेस बर्नर जो हमारी शॉप में हर एक चीज़ अवेलेबल है। आप हमारी शॉप में एक बार आइए जरूर और विज़िट जरूर करिए, ऑनलाइन देख के, या फिर हमें आप ऑर्डर भी कर सकते हैं यूट्यूब पे भी, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको सब कुछ लिख के दे रहा हूँ मैं अपने बारे में, फ़ोन नंबर भी लिखा है मेरा साइड में, आप देख सकते हैं। आप मुझे कॉल करिए, मुझसे पूछिए क्या आपको डाउट है, क्या चीज़ आपको चाहिए। मेरे भाइयों ने मुझसे बहुत चीज़ें ली हैं, थैंक यू सो मच, उनको मैं थैंक यू कहूँगा, भाइयों ने स्लीपिंग बैग, भाइयों थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहूँगा, 1000 सब्सक्राइबर जो मेरे हुए हैं आज, जो मैंने जो वीडियो बनाई है बर्नर्स के ऊपर, जो मेरी शॉप में जो जितने भी बर्नर्स अवेलेबल्स हैं, मैंने जो पिछली वीडियो में आपको VS के जो अपने बैट, क्रिकेट बैट बॉल जो भी था मैंने वो भी बताया, स्लीपिंग बैग्स बताए, ट्रेंट बताए, और भी चीज़ें, जैकेट्स भी हैं मेरी शॉप में, डाउन जैकेट से लेके आप जो मर्जी जैकेट ले सकते हैं, रक्षक बैग्स भी हैं, और मेरे पास फ्लैश लाइट है, फिनेक्स की है, कैंप के क्लाइंबिंग के लिए सारा सामान मेरी शॉप में अवेलेबल है। आप देखेंगे सारा इनर थर्मल, कुकिंग का वेयर, कैंपिंग से ट्रैकिंग तक सारा शूज़, ट्रैकिंग शूज़ भी मेरी शॉप में अवेलेबल है, उनकी वीडियो मैं जल्द बनाऊँगा। भाइयों प्लीज़ थैंक यू सो मच, मैं आपको फिर कहूँगा मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें,
सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलिएगा। और थैंक यू, मैं उन लोगों को भी कहूँगा जिन्होंने भाई मेरे यूट्यूब में देख के स्लिपिंग बैग, जो आर्मी मैन जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं उन्होंने मुझे यूट्यूब पर देख के मेरी टेंट में स्लिपिंग बैग्स के ऊपर उनसे ऑर्डर भी किए, उन्होंने मुझे उनको जय हिंद कहूँगा एक बार फिर से। मैं मेरी इस वीडियो को जरूर देखें एक बार फिर शुरू से एंड तक, और मुझे कमेंट जरूर करके बताएं कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट, जो जिन लोगों के पास मेरे प्रोडक्ट जो गए हैं, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, जो मेरी गलती है जो भी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस चैनल ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स को जरूर लाइक जरूर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं आपसे एक बात बहुत लास्ट टाइम फिर कहूँगा, थैंक यू सो मच यूट्यूब आप। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप मेरी शॉप पर विजिट जरूर करें, K1 113 CR पार्क कालका जी बेसमेंट में, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हब जो मेरी शॉप है। थैंक यू सो मच, आप आइए जरूर मेरी शॉप में। मेरा नाम मनप्रीत सिंह, थैंक यू सो मच, जय हिंद।